जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो न जाने कितने सपने लिए हम अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये ठान के निकलते हैं कि जिंदगी चाहे हमें कितनी भी दिक्कतें दे, हम उसका डट के सामना करेंगे और अपने परिवार के लिए एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने का अवसर हर मुश्किलों से चुरा के निकाल लेंगे। आज जिंदगी शायद यही चुनौतियां हम सबके जिंदगी में डाल के ये देखना चाहती है कि कौन इन चुनौतियों का डट के सामना करके आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, जो लोग बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, चाहे फ्रीलांसिंग बिजनेस करते हो, छोटा बड़ा किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, सरकार उनके लिए एक स्कीम लेके आई है। इस स्कीम को ECLGS नाम दिया गया है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी बिजनेसमैन 5 करोड़ तक लोन ले सकता है इस इमरजेंसी के सिचुएशन में, और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में किन लोगों को ये लोन मिल सकता है, कितना लोन मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितने टाइम के लिए ये लोन मिलेगा और इस लोन के बेनिफिट्स क्या है। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सरल फाइनेंस। तो दोस्तों, सरकार की इस स्कीम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं इस स्कीम को लेके सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए काउंटडाउन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं ये स्कीम है क्या, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत आप अगर बिजनेस चलाते हैं, चाहे उसे अकेले चलाते हैं, पार्टनरशिप में चलाते हैं, LLP बनाए हुए हैं, या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बनाए हुए हैं, या आपने कोई ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो इस स्कीम के अंतर्गत आप लोन ले सकते हो और उस लोन की गारंटी सरकार दे रही है। 100% गारंटी इस लोन की सरकार दे रही है। इस स्कीम के ड्यूरेशन की बात करें तो ये स्कीम 23 मई 2020 से चालू हो गई है और 31 अक्टूबर 2020 तक चलती रहेगी। या फिर इस स्कीम के टारगेट 3 लाख करोड़ का लोन जैसे ही सरकार दे देगी तब ये स्कीम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। यानी 3 लाख करोड़ का लोन या 31 अक्टूबर 2020 जो भी पहले हो जाए तब तक ये स्कीम चलती रहेगी अपने देश में। तो जल्दी से जल्दी आप इस स्कीम का फायदा उठाइए, अपने बैंक में जाइए और पता करिए कि आपको ये लोन किस तरह से मिल सकता है। तो दोस्तों, मन में तुरंत ये सवाल आता है कि किन लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत लोन मिल सकता है। इसका क्राइटेरिया सरकार ने ये तय किया है, 29 फरवरी 2020 की डेट को अगर आपका कोई लोन आउटस्टैंडिंग है तो आपके आउटस्टैंडिंग लोन का टोटल 20% तक आप ये लोन ले सकते हैं। यानी 29 फरवरी 2020 को अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन 1 करोड़ रुपए का था तो आपको उसका 20% यानी कि 20 लाख रुपए तक का आपको लोन इस स्कीम के अंतर्गत मिल सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका टर्नओवर 100 करोड़ के नीचे होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन ये है कि टोटल आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी को 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस आप मीट करते हैं तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। और अगर हम लोन लेने के प्रोसीडियर की बात करें तो ये एक तरह का प्री अप्रूव्ड लोन है। जिस भी बैंक में आपका लोन चल रहा था वो बैंक आपको एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर देगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट के 20% तक, और अगर आपको लोन लेना है तो आपको सिर्फ वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते ही आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, आपका एक नया लोन अकाउंट खुल जाएगा और उस लोन अकाउंट में आपका अमाउंट आपको मिल जाएगा। और अगर आपको बाय चांस लोन की नहीं जरूरत है तो आप इस ऑफर को डिनाई भी कर सकते हैं। अब अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम कैप 9.25% का लगा हुआ है। यानी 9.25% तक ये लोन आपको मिल सकता है, 9.25% से ज्यादा कोई भी बैंक चार्ज नहीं करेगा इस लोन के लिए आपसे। फिर अगर हम टाइम की बात करें तो ये लोन आपको चुकता करना होगा 4 साल के अंदर। 4 साल के लिए ये लोन आपको मिल रहा है और साथ ही साथ 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी है। यानी जैसे ही लोन सैंक्शन होगा 1 साल तक आपको कोई भी किस्त नहीं देनी है, आपको प्रिंसिपल नहीं देना है, ऑल्दो इंटरेस्ट आपको देना रहेगा। 1 साल के बाद जो बाकी 3 साल रह जाएंगे उस 3 साल में आपको प्रिंसिपल का रिपेमेंट करना है। तो टोटल इस लोन का टेन्योर 4 साल है जिसमें 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड है और बचे हुए 3 साल में आपको ये लोन चुकता करना है। और एक अच्छी बात इस लोन की ये है
कि कोई भी बैंक आपसे इस लोन के लिए प्रोसेसिंग चार्ज फीस नहीं लेगा। तो दोस्तों मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, इस लोन की एलिजिबिलिटी के लिए आपका आउटस्टैंडिंग लोन 29 फरवरी 2020 को 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका टर्नओवर सेल बिजनेस में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं, कोई बिजनेस आपका ऐसा है जिसके ऊपर में जीएसटी एप्लीकेबल है, तो आपका एक जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। जो लोग जीएसटी एग्जेम्प्ट आइटम में डील करते हैं उनके लिए जीएसटी नंबर का कंपल्शन नहीं है, पर अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो, कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हो जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, तो आपका एक जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। तो इतनी सी क्राइटेरिया है इस स्कीम के तहत इस लोन का बेनिफिट लेने के लिए। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस लोन के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं है तब भी आप इस लोन का बेनिफिट उठा सकते हैं, अगर आप बाकी के क्राइटेरिया मीट करते हैं तो। और मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। पता नहीं फ्यूचर में हो सकता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होने से हम कोई उसका बेनिफिट उठा सके। लास्ट में मैं ये भी बताना चाहूंगा, अगर आपने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी लोन लिया हुआ है और 29 फरवरी 2020 को उसका कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो उसका 20% तक आप इस स्कीम में भी फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ इसी तरह के यूजफुल इन्फॉर्मेशन जिसमें होता है हम सभी का फायदा।